दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। अब उनके इन आरोपों पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम शिवराज ने केजरीवाल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। फिलहाल वह जमानत पर हैं और वह भी सिर्फ चुनाव तक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति कोई पद पाने या स्वार्थ साधने का माध्यम नहीं है। शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने की बात करके राजनीति में आए थे और खुद भ्रष्टाचार में घिर गए, अब वो अपने दिमाग को संतुलित रखें। केजरीवाल जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अभी बेल पर है और केवल चुनाव तक के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति का या स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। देश की सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं और जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाआंदोलन अभियान है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम हमें देती है उस काम को पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी से हम करते हैं। मैं अभी अभी चुनाव प्रचार खत्म करके लौट रहा हूँ। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। अपना चुनाव लड़ने के अलावा सभी लगभग लोकसभा की सीटों पर अपवाद छोड़ के मैं गया हूँ और दिन और रात हमने परिश्रम किया है, क्योंकि पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखता है और देश का अटल और अखंड विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।